बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। सरबत खालसा की तरफ से नियुक्त जत्थेदार आज अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने जा सकते हैं। नए जत्थेदारों में भाई ध्यान सिंह मंड, बाबा बलजीत सिंह दादूवाल और भाई अमरीक सिंह अजनाला शामिल हैं। इससे पहले ये जत्थेदार पटना साहिब गुरुद्वारा और हजूर साहिब के भी दर्शन कर चुके हैं। सरबत खालसा से नए जत्थेदारों के श्री हरमंदिर साहिब के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजन, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी? जी बिल्कुल मोनिका, आज जो सरबत खालसा की ओर से जो जत्थेदार नियुक्त किए गए हैं भाई ध्यान सिंह मंड, बाबा बलजीत सिंह दादूवाल और भाई अमरीक सिंह अजनाला, आज वो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं। अभी अभी जो जानकारी मिली है वो चब्बा के नजदीक गुरुद्वारा बाबा नोट सिंह से वो भाई मंड सिंह, भाई ध्यान सिंह मंड और बाबा बलजीत सिंह दादूवाल जो है वो वहां से अभी अभी रवाना हुए हैं हरमंदिर साहिब की ओर। भाई अमरीक सिंह अजनाला उन्हें यहाँ पर जो है वो आकर यहाँ पर मिलेंगे और तीनों इकट्ठे जो है हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होंगे। और इससे पहले जो है इनके आने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से जो है सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। हरमंदिर साहिब के बाहर जो प्लाजा एंट्रेंस प्लाजा, वहां पर वर्दी धारी पुलिस फोर्स तैनात है। इसके अलावा अगर बात की जाए हरमंदिर साहिब परिसर की तो परिसर में SGPC की टास्क फोर्स तैनात की गई है और इसके साथ साथ जो है सादा वर्दी में पंजाब पुलिस के जवान भी वहां पर तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ऐसी ना हो जाए जिससे शांति में खलल पड़े। जी राजन, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरबत खालसा की तरफ से नियुक्त जत्थेदार आज अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने जा सकते हैं और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर सुरक्षा का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। लोगों की आवाज और उम्मीद बन चुके चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट किए जाने के खिलाफ अब पूरे पंजाब में सच्चाई की आवाज गूंज रही है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने पूरे पंजाब में निजी केबल ऑपरेटर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों की आवाज और उम्मीद बन चुके पसंदीदा चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट किए जाने के खिलाफ अब पूरा पंजाब मुखर हो उठा है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने पूरे पंजाब में निजी केबल ऑपरेटर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द निजी केबल पर इसका प्रसारण शुरू करने की मांग की। अच्छी सारे ने आज इसी साहब नु इस संबंधी मेमोरेंडम देता है। ये पंजाब सरकार दी बहुत घिनौनी हरकत है और ये पंजाब सरकार दे लई उन्हां दी सरकार दे लई ये उन्हां दे खफन में आखिरी किल साबित होगी। अकाली दल अमृतसर ने अमृतसर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब समेत पूरे पंजाब में प्रदर्शन कर यह ऐलान किया है कि जब तक जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का निजी केबल पर प्रसारण शुरू नहीं हो जाता वो आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार जड़ी केबल बंद करी है ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ। ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਉਹ ਜੋ ਡਿਬੇਟ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਾ ਲਈ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਡਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਬਲਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕੇਬਲ ਤਾਰ ਪਟਾ ਕੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ जी न्यूज़ बहाल करना पड़ेगा। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से पंजाब में निजी केबल ऑपरेटर ने पंजाब के नंबर 1 चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट कर रखा है।
जिसके खिलाफ आम लोगों से लेकर सियासतदान तक सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन हैरानी इसी बात की है कि आखिर सरकार इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने से पीछे क्यों हट रही है। बठिंडा से गोविंद सैनी के साथ फतेहगढ़ साहिब से रविंदर सिंह, जी मीडिया। तो पंजाब की जनता ही नहीं, तमाम सियासी पार्टियां भी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को पंजाब में बैन करने की निंदा कर रही हैं। इसी कड़ी में बरनाला में भी आम आदमी पार्टी और आम लोगों की तरफ से रोष मार्च निकाला गया। चालू करो। हाथों में बैनर पकड़े रोष मुजहरा कर रही आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं और प्रदेश में लोकहित की आवाज बुलंद करने वाले चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की आवाज को दबाने से खफा है। बरनाला में बड़ी तादाद में जुड़े पार्टी वर्करों ने मीडिया की आजादी पर किए जा रहे इस हमले खिलाफ विरोध के सुर बुलंद किए और सच की आवाज दबाने की आलोचना की। इसके साथ ही चैनल जल्द शुरू करने की मांग की गई और साथ ही केबल हटाओ डिश लगवाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान भी किया गया। जाम करांगे असी केबल वाले दा बायकॉट करांगे। ए जिहड़ी तुसी प्रेस दी आजादी नू बंद करना चाहुंदे हो, कुचलना चाहुंदे होगे, ए असी हरगिज नहीं होण दवांगे। असी ते आउण वाले समें च आपदे संघर्ष नू होर तिखा करांगे। ने लोकतंत्र दे चौथे थंब नू ए बंद कीता जी पंजाब हरियाणा नू, ए लोकतंत्र दा कतल कीता, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी आ ए। लोगों के साथ जुड़े जमीनी मुद्दों को प्रमुखता से दिखाने वाले चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की दिन प्रतिदिन बढ़ती मकबूलियत को देखकर जिस तरीके से उसको ब्लैकआउट किया गया, उससे इस चैनल जरिए सच की आवाज सुनने वाला हर शख्स परेशान है। और पूरे प्रदेश में चैनल के हक में चले ये पैर अब काफिले का रूप ले चुके हैं। जीवन रामगढ़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बरनाला। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के पंजाब में ब्लैकआउट के मुद्दे को लेकर बैंस ब्रदर्स ने तीसरे दिन भी अपनी केबल हटाओ डिश लगाओ मुहिम को जारी रखा। अब सोमवार को फिल्लौर, फगवाड़ा, जलंधर और खन्ना में केबल उतरवाकर डिश लगवाने की मुहिम की शुरुआत की जाएगी। केबल हटाओ डिश लगाओ मुहिम तीसरे दिन भी लुधियाना में जारी रही। पंजाब में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को एक निजी केबल ऑपरेटर की तरफ से ब्लैकआउट किए जाने के खिलाफ लोगों का रोष लगातार जारी है। लुधियाने में तीसरे दिन भी टीम इंसाफ के नेता और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की अगुवाई में लोगों ने केबल के कनेक्शन कटवाए और अपने घरों में डिश लगवाई। बैंस भाइयों ने कहा कि ये मुहिम अब लुधियाने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि दूसरे शहरों में भी जाएगी। इस तरह कल्ले लुधियाने च नहीं, कुल पंजाब अंदर क्या मैं सोमवार तो ड्राइव शुरू कर लगा। जिहड़े बाहरले जिलियां दे विच मैनूं फोन आ रहा, सो मैं उत्थे जा के इस मुहिम नूं तेज करन वास्ते, क्योंकि अज हर पंजाबी दे मन दे विच इस गल दी चिंता ते सच्चाई जिहड़ी आ ओह हर घर तक पहुंचदी करांगे ते मैं इस गल दी खुशी महसूस करदा। बैंस भाइयों की मौजूदगी में लुधियाना के शिमलापुरी, प्रीतनगर, लोहारा और दीपनगर समेत कई इलाकों में सैकड़ों लोगों ने अपने केबल के कनेक्शन कटवा के डिश लगवाई। लोगों के अंदर इस बात को लेकर रोष है कि एक निजी केबल ऑपरेटर की तरफ से सच की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसको वो सहन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि एक निजी केबल ऑपरेटर की तरफ से जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट किए जाने के खिलाफ पूरे पंजाब में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसके तहत सिर्फ लुधियाना में ही तकरीबन 5,000 घरों ने केबल के कनेक्शन कटवाकर डिश लगवा ली हैं ताकि वो सच की आवाज को सुन सके। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। आगे बढ़ते हैं। पंजाब कांग्रेस के नए संगठनात्मक ढांचे का ऐलान हो गया है। पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को देखते हुए उप प्रधानों, महासचिवों समेत पार्टी प्रवक्ताओं के नामों का ऐलान कर दिया गया है। काफी दिनों से इंतजार कर रहे पंजाब कांग्रेस के नए ढांचे का ऐलान आखिर हो गया है और चुनावी साल में किसी को भी नाराज न करते हुए जहां उप प्रधानों की लंबी चौड़ी लिस्ट ऐलानी गई है तो वहीं तो जाति संतुलन सहित लीडरशिप में संतुलन बनाते हुए 36 चेहरों को बतौर उप प्रधान का पद दिया गया है। बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर कुर्सी से उतारे गए सुनील जाखड़ अपनी पार्टी समेत कांग्रेस में आए मनप्रीत सिंह बादल
और SC/ST कमीशन के उप चेयरमैन राजकुमार वेरका के साथ अकाली दल छोड़कर कांग्रेस में आए हंसराज हंस को भी उप प्रधान बनाया गया है। 36 उप प्रधानों की सूची में राणा गुरजीत सिंह, OP सोनी, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, केवल ढिल्लो, जगमोहन सिंह कंग और सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम भी शामिल हैं। उप प्रधानों की सूची में कैप्टन पक्ष की बल्ले बल्ले है। 37 सदस्यीय जनरल सचिवों की टीम में भी पार्टी के जमीनी स्तर पर नेताओं सहित हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। पूर्व प्रधान प्रताप सिंह बाजवा के भाई फतेहजंग सिंह बाजवा समेत हरमिंदर सिंह कंग, रमनजीत सिंह सिक्की को 37 चेहरों में जगह मिली है। पार्टी की ओर से मुख्य प्रवक्ता की लिस्ट में सुनील जाखड़, मुख्य प्रवक्ता राणा KP सिंह, नमीशा मेहता, रमन बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर नवजोत दहिया और सुखजिंदर राज सिंह लाली को जगह मिली है। तो कार्यकारिणी में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देते हुए पार्टी अंदर की गुटबाजी के साथ संतुलन बनाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन नई टीम में कैप्टन गुट की बल्ले बल्ले ठंडे पड़ चुके गुटों को रास आती है या नहीं, ये देखना होगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। इसराइल को लेकर पंजाब और हरियाणा में सियासत लगातार जारी है। अब एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जान दे सकते हैं लेकिन पानी नहीं। SYL के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब एक बार फिर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने SYL के मुद्दे पर विपक्ष पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने तल्ख अंदाज में कहा है कि जान दे सकते हैं लेकिन किसी भी कीमत पर पानी नहीं देंगे। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, BJP ਨੂੰ। संगरूर में दिड़वा में संगत दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। जहां मुख्यमंत्री सरदार बादल ने SYL विवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आवास घेराव के कार्यक्रम को ड्रामा करार दिया। एक घराव इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो मैं मिल लेना, मैनू आख देना उत्थे आके मिलना, की फर्क पैंदा, लेकिन पॉलिटिकल ड्रामेबाजी। SYL के मुद्दे पर किस राज्य को कितना नफा कितना नुकसान हो रहा है, किस प्रदेश की कितनी आबादी इससे प्रभावित हो रही है, अब शायद ये मुद्दे SYL के सियासी घमासान में कहीं गौण हो गए हैं। ऐसे में निगाहें देश की सर्वोच्च न्यायालय पर ही टिकी है कि आखिर SYL विवाद का रास्ता क्या होता है। सुमित जोशी, जी मीडिया, संगरूर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल रैली को संबोधित किया है। छोटी सी जगह में आयोजित की गई इस रैली में मुख्यमंत्री के संबोधन को पूरे शहर ने घर बैठकर सुना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद के सेक्टर 17 में डिजिटल रैली में शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस रैली को ऐतिहासिक बताते हुए प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया। हमारा हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा के उस मानचित्र पर फिर से उभर करके आ रहा है। भले गुड़गांव आज हमको आगे लगता होगा, लेकिन थोड़े समय में मैं समझता हूँ गुड़गांव के बराबर तो अवश्य आ जाएगा, आगे बढ़े ना बढ़े, क्योंकि इसका सबसे बड़ा विश्वास जो हमारा है वो है बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम लगातार देख रहे हैं कि मेट्रो जो बदरपुर से यहां तक आई है, यहां से बल्लभगढ़ तक उसका निर्माण शुरू हो गया है और न्यू फरीदाबाद की तरफ नहर पार भी बढ़ने की उसकी हमने स्कीम योजना बनाई है ताकि उधर की आबादी को भी इसका लाभ हो जाए। और आगे चलकर ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है जितना फरीदाबाद में होगा वो तो होगा ही, लेकिन इसका विस्तार अब नेशनल हाईवे नंबर 2 और KMP ये उधर भी होने वाला है। फरीदाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा के करीब करीब सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भी डिजिटल क्रांति पर जोर दिया और मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना की। पिछले सालों में जो सरकारें थी वो उद्योगपति को, फैक्ट्री के मालिक को, कारोबार करने वाले को आसामी समझते थे, व्यापार को चोर मानते थे। आज ऐसी सरकार है जो आपकी बनाई हुई सरकार है, ना उधारी ली हुई सरकार है, ना कोई गठबंधन की सरकार है, ये आपके घर में पैदा हुई सरकार, और ये सरकार
दिन रात आपकी चिंता करती है, दिन रात आपके कल्याण की योजना इस सरकार के दिमाग में रहती है। फरीदाबाद की इस डिजिटल रैली में 15 बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी ताकि दूर दूर से आए लोगों को गर्मी में परेशान न होना पड़े और सरकार की नई योजनाओं को बेहतर ढंग से देखने और समझने का मौका मिल सके। फरीदाबाद में आयोजित इस डिजिटल रैली की खास बात ये रही कि कड़ी धूप और गर्मी से बचाने के लिए शहर भर में 15 स्क्रीन लगाई गई थी। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। प्रकाश सिंह, आयोग ने आखिरकार अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में पुलिस के कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही अब इस रिपोर्ट को लेकर सूबे में सियासत शुरू हो गई है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहा है। हरियाणा जाट आंदोलन के दौरान पुलिस की भूमिका की जांच कर रही प्रकाश सिंह कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। लेकिन इससे पहले विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मुद्दे पर सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी है। कल रिपोर्ट दी है, अभी मैं इस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी रिपोर्ट का अध्ययन करूंगा, लेकिन जो अखबारों में पढ़ रहा हूं उसके उतने ही उससे देखे हैं तो इस सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने तो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सुना था कि प्रकाश सिंह की रिपोर्ट आ गई। प्रकाश सिंह की रिपोर्ट का मायना उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये कहा था कि जब हमने मांग करी थी कि इसकी न्यायिक जांच हो, और उन्होंने जब ये कहा कि मैंने एक मेंबर की कमेटी, एक रिटायर्ड जस्टिस के जुम्मे हम ये इंक्वायरी लगाए, जिम्मेवारी लगा दी, तो फिर प्रकाश सिंह रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रकाश सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 90 बड़े अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, जबकि कई अधिकारियों के काम की सराहना भी की है। ऐसे में विपक्ष के हमलों के बाद सरकार पर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का दबाव और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पानीपत में हुए लोकल ट्रेन में धमाके के बाद हरियाणा के डीजीपी केपी सिंह ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया और भरोसा दिया कि जल्द जांच के बाद इसका खुलासा होगा। पानीपत रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में हुए धमाके के पीछे कौन है, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए अब जांच एजेंसियां जुट गई हैं। शनिवार को हरियाणा के डीजीपी पानीपत रेलवे स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे। उनके साथ महकमे के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। डीजीपी के मुताबिक धमाके के कारणों की तलाश की जा रही है, जांच चल रही है और जल्द ही इसका खुलासा होगा। देखेंगे अभी कि क्या इसमें हो सकता है, डिटेल इसकी एनालिसिस करेंगे और क्या इसके कारण है, किस तरीके के इसमें एक्सप्लोसिव यूज हुए हुए हैं। एफएसएल की टीम ने इसका कल और परसों मौका मुआयना किया है, उनकी रिपोर्ट भी लेंगे और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा सकते हैं आगे भविष्य के लिए, ताकि इस प्रकार की घटना कोई और दोहराने का दुस्साहस न कर सके उसके भी। स्टेशन पर लोकल ट्रेन में एक बार फिर टाइमर लगी बैटरी से विस्फोट हुआ। विस्फोट का मॉड्यूल ठीक वैसा ही था जैसे 4 महीने पहले 15 जनवरी को हुआ था। ऐसे में सवाल ये कि कहीं इन धमाकों के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ तो नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल होगा अभी, चूंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगा इस बारे में भी आपको पूरी सूचना दे दी जाएगी। आतंकवादी संगठन ये ट्रायल कर रहा है और अगर बड़ी घटना होने जा रही है, जैसा मैंने कहा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी इनकम्प्लीट है, चल रहा है, अगर इस किस्म की कोई बात आएगी तो आपके साथ जरूर शेयर। जांच एजेंसियों का ये भी दावा है कि इस बार विस्फोटक करीब 3 गुना ज्यादा घातक था। दरअसल 12 मई की शाम 7:40 पर मेमू दिल्ली से पानीपत पहुंची थी। ट्रेन खाली होने के बाद यार्ड में खड़ी हुई, सुबह इसे फिर से दिल्ली जाना था, लेकिन ठीक 8:05 पर ट्रेन में धमाका हुआ और चारों तरफ हड़कंप मच गया। ऐसे में सवाल फिर वही, क्या इन धमाकों के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है। राजेश खत्री, जी मीडिया, पानीपत। खबर जींद से लेते हैं। जींद के एक सरकारी स्कूल की टीचर ने 7वीं क्लास की छात्राओं को ऐसी सजा दी है कि वो अब अपने पांव पर खड़ी नहीं हो पा रही हैं। दर्द के मारे इन लड़कियों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में आरोपी टीचर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। दर्द से कराहती इन लड़कियों की ये हालत इनकी ही एक टीचर सीमा ने की है।
ये सभी जींद के गांव लिजवाना कला के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की सातवीं की छात्राएं हैं, जिनसे होमवर्क नहीं पूरा करने की सजा के तौर पर हजार हजार बार दंड बैठक कराया गया, जिसके बाद इनकी हालत बेहद बिगड़ गई। 500 दंड बैठक कटवाई थी। अच्छा, तो कितनी लड़की थी? सारी क्लास थी। 500-500? तो मैडम ने बताया नहीं आपका कसूर क्या था? पूरी क्लास हमारे घर है, हमारे बेहोश हो गई लड़की, और दो बच्ची और ले आई है ग्राउंड उठा के उसने, वो तो 40-42 बताऊ स्कूल में, क्लास में। हाँ, सारी क्लास का बुरा हाल है, स्कूल में गए थे तकरीबन क्लास का बुरा हाल। छात्राओं ने बताया कि हजार बार दंड बैठक करने से पहले शिक्षिका ने उन्हें डंडे से पीटा भी। दंड बैठक के दौरान ही कई छात्राएं बेहोश हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़कियों दंड बैठक निकलवाई थी, नई नई वह मैडम आई थी और उससे गलती होगी, यह मैडम निकलवाई, इनको चक्कर आ गया लड़कियों के। 6-7 लड़कियाँ हमारे पास परिजन लेके आए हैं, जिसमें बताया कि स्कूल में उनके साथ मारपीट हुई है, अभी उनका इलाज चल रहा है और उनका एग्जामिनेशन। बेरहमी से छात्राओं की पिटाई का मामला अब पुलिस तक पहुंच चुका है, आरोपी टीचर के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है। बच्चों ने मतलब इतने तो नहीं डरे हुए थे, वो ये कह रहे थे मारे थे और उठक बैठक लगवाई हमसे, करीब 500-1000 उठक बैठक लगवाई गई लड़कियों से, ऐसा भी हाँ कह रहे थे कि उन्होंने कहा इतनी लगवाएंगे, अब लगी कितनी ये तो हम नहीं बता सकते। टीचर के खिलाफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने वो शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो अपने छात्रों को अच्छाई का रास्ता दिखाए और अगर छात्र कोई गलती करे तो उसे उसका एहसास कराए, लेकिन जींद की इस टीचर ने तो एक बार फिर शिक्षकों के पढ़ाने के तौर तरीकों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। राजकुमार गोयल, जी मीडिया, जींद।